अभी आगे फॉर्मूला शीट देखते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ओके फ्लूइड्स, उसको फ्लूइड्स मैकेनिक भी बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स ओके, तो इसमें तीन पार्ट्स आते हैं, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनामिक्स और सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। सॉरी, चार पार्ट आते हैं, ये चार है। तो आज हम लोग अभी पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब, हाइड्रोस्टैटिक मतलब देखो, मैकेनिक्स बोल दिया, जैसे कि अपना ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक था, फिर उसको मूव करा के हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, वैसा ही हाइड्रोस्टैटिक पढ़ेंगे पहले। ये स्टैटिक फ्लूइड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। पहला तो एक अच्छा सा प्रॉपर्टी, उसका डेंसिटी, जिससे आप रग रग से वाकिफ हो। उसके डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, इट इज़ अ पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियसली ये मास कांट भी नेगेटिव, पॉजिटिव और स्केलर है। ये हो गया, इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट है। और एम एल रेस टू माइनस थ्री इज द डिमेंशन। ये हो गया डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, और इसको वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, वेट डेंसिटी। ये क्या होता है, W से डिनोट कर देते हैं। ये है वेट अपॉन वॉल्यूम। और ये मास और वेट में फर्क क्या है, सेम ही तो है ना, सेम है नहीं। मास बॉडी का एक्चुअल मास है। ओके देखो, वेइंग स्केल जो रहता है अपना, ये वेइंग स्केल है, इसके आप ऊपर खड़े हो गए और इधर रीडिंग आ गया आपको, ये आपके पैर है, इधर रीडिंग आ गया। रीडिंग कैसे आता है, ये वेइंग स्केल मेजर क्या करता है, पहली बात तो इट मेजर्स नॉर्मल फोर्स, मेजर्स नॉर्मल फोर्स मतलब आप इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हो वो मेजर करता है। और आप इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हो, एम आपका मास इंटू जी ग्रेविटी, एम जी के लगा रहे हो। इधर नॉर्मल आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो, एन इक्वल टू एम जी होगा। ये क्या हो गया वेट, इसको बोलते हैं वेट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। आपके ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है वो होता है वेट। तो वेट एंड मास आर नॉट सिमिलर, ओके, मास और वेट हम लोग बोल देते सिमिलर, बट सिमिलर नहीं है। तो हमें ये वेइंग स्केल क्या फोर्स देता है क्या रीडिंग में, नहीं। इट रीडिंग कैसे आती है इसकी, रीडिंग इज इक्वल टू फोर्स, या नॉर्मल फोर्स बोल दो आप, नॉर्मल फोर्स अपॉन जी। नॉर्मल फोर्स क्या है, एम जी, जी जी से जी कैंसिल आउट, मास। ये हमें अपना मास ही देता है, एक्चुअल मास देता ही है हमें। जैसे जैसे जी चेंज होगा हमारा मास चेंज होता है, मास चेंज होता है मतलब अपरेंट मास हो जाता है, अपरेंट वेट हो जाता है, अपरेंट वेट। मास तो वही रहता है हमेशा 52 kg, तो 52 ही रहेगा आपका, बट अलग अलग केसेस में लिफ्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो बदल सकता है, वेट बदल सकता है, मास नहीं। तो वेट क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ टूवर्ड्स, मतलब वो आपको किस फोर्स से खींच रहा है वो हो गया वेट। और एक्चुअल क्वांटिटी मतलब आपके अंदर कितने मसल्स है, कितने बोन्स है, उन सबका एक्चुअल वेट इज द मास। तो वेट और मास इज नॉट सेम। ये हो गया स्पेसिफिक वेट। तो इसका फॉर्मूला आगे लिखते हैं, वेट को क्या हम लोग लिख सकते हैं, एम जी अपॉन वॉल्यूम। अभी एम जी मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी लिख सकते हैं क्या, तो स्पेसिफिक वेट को हम लोग रो जी भी लिख सकते हैं। यस, रो जी, ऐसे याद रखते हो, रो जी, रो जी, तो रो जी, जेड जी नहीं आएगा, रो जी मतलब जी आएगा ऐसा। ये हो गया स्पेसिफिक वेट। एक आता है रिलेटिव डेंसिटी, बेसिक से टर्म्स है ये सब, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 degrees Celsius। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 degree। रिलेटिव मतलब क्या, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, और सबसे अच्छा किसके रिस्पेक्ट में निकालने के लिए सबसे अच्छा कौन है, वाटर। ओके, क्योंकि वही है अपना यूनिवर्सल। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो इंटू एल, रो इंटू डब्ल्यू, ये एल अलग कुछ नहीं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ वाटर है। ओके, ये क्या होगा, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, ऑब्वियसली क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है, पॉजिटिव स्केलर ये भी होगा क्योंकि डेंसिटी खुद पॉजिटिव स्केलर है, और पॉजिटिव स्केलर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो, डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव स्केलर ही आएगा। और एक चीज़ आती है यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। नाउ ये क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्पेसिफिक वेट को क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वेट ये हो गया रो ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये जो स्पेसिफिक वेट पड़ा यही है ना, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, जी से जी कैंसिल, तो हो जाएगा रो एल बाय रो ओमेगा इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, रिलेटिव डेंसिटी के बराबर आ गया, वही रो लिक्विड बाय रो वाटर, ये कैसे फिर सेम आ गया, और आप अलग अलग फॉर्मूला क्यों बता रहे हो, बताता हूँ। ये हो गया फर्स्ट सेकंड, देखो हम लोग ने पढ़ा पहले डेंसिटी, फिर पढ़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक सॉरी स्पेसिफिक वेट पढ़ा, डेंसिटी क्या है मास अपॉन वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट क्या है वेट अपॉन वॉल्यूम, फिर रिलेटिव डेंसिटी क्या है, दो डेंसिटी के बीच में डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसका रिलेटिव क्वांटिटी ये, फिर इसका रिलेटिव क्वांटिटी ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी देखो इसमें डायरेक्टली डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर लिखा है, तो रिलेटिव डेंसिटी में ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब जी का, स्मॉल जी का कोई रोल है क्या, नहीं जी का कोई रोल नहीं है, बट यहाँ पे जी का रोल है, ये इक्वल है इसलिए ये कट आउट हो जा रहा है, बट इसमें रोल है इसमें। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाते हैं रिलेटिव डेंसिटी के, क्योंकि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ही ले रहे हैं इसलिए, बट ये रिलेटिव डेंसिटी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ पार्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। कैसे, कि ये रिलेटिव डेंसिटी किसके भी रिलेटिव भी ले सकते हो, रिलेटिव तो आपको रहता है अभी पोटेंशियल एनर्जी, आप किसके भी रिलेटिव ले सकते हो, किसको भी रेफरेंस मान लो, पोटेंशियल एनर्जी आपको इस हाइट का निकालना, आप इसको रेफरेंस मान लो क्या, इसको ही रेफरेंस मान लो, ऐसा होता है, तो रेफरेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपका आंसर चेंज नहीं होगा। इधर अगर रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया तो वाटर लो, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन दिया तो हाइड्रोजन लो, जो भी लिक्विड दिया रहेगा, मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग हो सकता है, हम लोग ने इधर वाटर ले लिया है। ओके, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ओनली, स्पेसिफिकली जब भी आप वाटर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हो दूसरे दूसरे किसी का, तो वो आ जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसको बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखते जाएंगे हम लोग आगे, तो ये जी और जी कैंसिल हो रहा है। ओके, तो वाटर के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी चीज़ का डेंसिटी निकाल रहे हो तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी रिलेटिव डेंसिटी का एक स्मॉलर ब्रांच है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। अभी जैसे कि और एक मैं चीज़ बताता हूँ, जैसे कि हाँ, जब भी बायो में ट्रांसपोर्टर प्लांट्स में आप देखोगे, बताता हूँ इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, जब भी सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर से मूव करते हैं विदाउट एनी मतलब किसी के मदद के बिना, ये हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, इधर कंसेंट्रेशन सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन मतलब पानी इधर ज़्यादा है, नमक कम है, सॉल्ट कम है, इधर सॉल्ट ज़्यादा है पानी कम है, तो ऑब्वियसली हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन फ्लो करेगा। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन। बट ये हो गया, अभी मैंने क्या बोला था डेफिनेशन में, अगर सॉल्वेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, अगर वाटर मूव कर रहा है तो इस प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक नाम क्या है, ऑस्मोसिस, इस प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक नाम क्या है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या हो गया, ऑस्मोसिस क्या हो गया, एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन हो गया, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, जिसमें स्पेशल केस में डिफ्यूजन में से कैसा हो गया कि सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्वेंट क्या हो गया अपना वाटर, सॉल्वेंट तो मूव करेगा ही जो डिफ्यूजन का डेफिनेशन है, बट सॉल्वेंट इस केस में क्या हो गया, ऑस्मोसिस के केस में वाटर। वैसे ही
रिलेटिव डेंसिटी तो है, बट रिलेटिव डेंसिटी का ही स्पेशल केस हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा, तो जिसमें हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल रहे, जो कि ये दूसरा वाला है, ये हो जाता है वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर, और रिलेटिव डेंसिटी में आप किसका भी ले सकते हो, अभी इधर लेने के लिए वाटर लिया। नाउ सम आगे बढ़ते हैं, अभी प्रेशर करते हैं। प्रेशर प्रेशर तो हमें पता ही है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फिर आगे लिख सकते हैं हम लोग इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि हो गया उसका यूनिट। ना इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं जो कि याद रखने पड़ेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, 1 SI यूनिट इज इक्वल टू 1 पास्कल। दूसरा इसका यूनिट 1 बार इज इक्वल टू 10^5 पास्कल। तो मुझे बताओ क्या क्या बड़ा हुआ, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल लेस देन 1 बार, सही है, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 पास्कल ये दोनों इक्वल है, खाली यूनिट को हम लोग ने इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बुला लिया बस, क्योंकि साइंटिस्ट ने उसको साइंटिस्ट के नेम पे। अभी 10^5 पास्कल इज 1 बार, एक बार बनाने के लिए 10^5 पास्कल चाहिए, तो बड़ा कौन होगा, बार हो गया ऐसा। फिर 1 ATM इज इक्वल टू 1.10 × 10^5 पास्कल। अभी 10^5 पास्कल आपको दिख रहा है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो क्या बार से, 1.101। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg। ओके, इसको हम लोग ले सकते हैं 760 टॉर। तो यहाँ पे टॉर का रिलेशनशिप क्या बता रहा है, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg, दिख रहा है ये रिलेशनशिप से। 1 ATM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 10.33 मीटर H2O, ये बताऊंगा मैं आगे जाके, ये 760 mm ऑफ Hg क्या है, ये 10.33 mm ऑफ वाटर क्या है। ये हो गए बहुत सारे यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ओके, तो ये टॉर क्या होता है, टॉर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय 1 mm ऑफ Hg व्हिच इज 133 पास्कल। इसको लिखे नहीं जाएंगे तो 133 पास्कल, 1 mm ऑफ Hg, 1 mm, 70 कन्वर्ट कर सकते हो ना, 760 के लिए 1 ATM है, फिर 1 mm के लिए क्या आ जाएगा, और 1 ATM की जगह पे ये डाल के हम लोग निकाल सकते हैं 133 पास्कल आता है, ये छोड़ दो आप। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर के भी 3 टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या क्या है ये देखते हैं, पहले तो आता है, पहले मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर एक उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गॉज। ओके, ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो गया गॉज प्रेशर। क्या है, बढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जो कि ATM रहता है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर, उसका यूनिट ही है ATM। एटमॉस्फेयर का कितना है, 1.01 × 10^5 पास्कल है, बराबर, या तो 1.01 बार, बार को यूज़ नहीं करेंगे अनलेस एंटी लास्ट, बट पास्कल को यूज़ करेंगे। तो ये हो गया प्रेशर ATM, एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है, हम लोग इसको डायरेक्टली 1 ATM लिख सकते हैं, 1 ATM लिख सकते हैं। 1 ATM को पास्कल में ये बोलते हैं, बार में ये बोलते हैं, बट 1 ATM। ओके, फिर ये गॉज प्रेशर क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर। अगर समझो एक लिक्विड है बीकर में, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर तो प्रेशर लगाएगा ही सरफेस पे, अगर आपने और कुछ प्रेशर लगाया तो वो भी ऐड हो जाएगा, प्रेशर एक्सेस। ओके, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्या होता है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, जितना भी आपने फोर्स लगाया रहेगा, विच इज Mg/A इज इक्वल टू, एम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को लिख सकते हैं A × H, G/A, ए से ए कैंसिल, विच इज रो जी एच। क्या आ गया यहाँ पे,
गॉज प्रेशर वो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, इसको गॉज प्रेशर बोल दो। पी जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच, एक्स्ट्रा प्रेशर, कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर आप अगर लगा रहे हो उसके ऊपर तो वो हो जाएगा गॉज प्रेशर। और आप इधर समझो दूसरा एक फोर्स लगा रहे हो एफ, इसका एरिया है ए, ये लेंथ है एच, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए इंटू एच। एक्स्ट्रा प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू एम जी रहेगा क्योंकि लिक्विड मूव नहीं कर रहा है, हाइड्रो स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, लिक्विड मूव नहीं कर रहा है इस प्रेशर से, मतलब इसका प्रेशर और आपका ऊपर का प्रेशर सेम होना चाहिए स्टैटिक रहने के लिए। तो एम जी अपॉन एरिया, अभी एम जी को हम लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू ए। अभी वॉल्यूम को मैं ए इंटू एच लिख सकता हूँ, ए से ए कैंसिल, डी जी एच, डी मतलब वो डेंसिटी, तो रो जी एच, ये तो आपने सुना ही रहेगा बहुत जगह। ओके रो जी एच, ये हो गया आपका गॉज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर इज एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके अभी समझो ये वाटर कॉलम है, मैं तीन जगह पे आपको ये बताता हूँ। इधर है प्रेशर पी वन, पी टू। अभी इधर क्या लग रहा है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक लग रहा है, तो पी वन क्या हो जाएगा, सिर्फ पी वन क्या हो जाएगा, पी एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं हम लोग। पी टू क्या हो जाएगा, पी टू के ऊपर प्रेशर कौन लगाएगा, इतना जो मास है ऊपर उसका, तो इसका हम लोग सेंटर ऑफ मास इधर कंसिडर करके एम जी नीचे ले सकते हैं डायरेक्टली, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गॉज प्रेशर। ये पी टू जो एक्स्ट्रा लगा रहा है, पी टू पे क्या ए टी एम तो आएगा ही, पहले प्रेशर ऑफ ए टी एम आएगा प्लस ये गॉज प्रेशर आएगा। गॉज प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रो जी एच, एट एनी पॉइंट अबव कोई भी चीज ले लो, जैसे कि पी वन पी टू पी थ्री, पी वन पी टू पी थ्री, ये रहेगा कुछ इसमें। पी वन क्या हो जाएगा, ये समझो हाइट एच वन, ये हाइट एच टू, तो पी वन क्या हो जाएगा, पी एटमोसफियर प्लस रो एच जी एच वन। पी टू क्या हो जाएगा, पी एटमोसफियर, ये सरफेस है, ओके पी एटमोसफियर प्लस रो जी एच टू, पी थ्री इज इक्वल टू पी एटमोसफियर। अगर आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पी वन इज इक्वल टू पी थ्री प्लस रो जी एच, ये जो सरफेस के ऊपर का प्रेशर मतलब एटमोसफियर का इक्वल है, इक्वल टू रो जी एच। पी टू इज इक्वल टू पी थ्री प्लस रो जी एच वन एंड रो जी एच टू, ऐसा लिखा जाते हैं बस, ये याद रखना गॉज प्रेशर इधर ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। अभी पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, समझो ऐसा कुछ चीज है, ये तो देखा ही रहेगा आपने, इधर ये है जैसा पानी भरा है अंदर, इधर आपने लगाया F, इसका ए वन है A, तो इधर कितना F लगेगा और इसका ए टू A, एरिया ए टू। पास्कल्स लॉ का मेन क्या, ये तो एप्लीकेशन हो गया पास्कल्स लॉ का, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, बट मेन क्या बोलता है कि अगर समझो ऐसा कोई कंटेनर है पूरा पैक्ड है, खाली इतना ही जगह खुला है, इधर आपने प्रेशर लगाया और मैं आपको तीन पॉइंट का प्रेशर पूछूं सेम लेवल पे, सेम लेवल पे। और एक बात, हाँ यहाँ पे मैंने दो पॉइंट बनाए थे, बताना भूल गया, ए और बी, यहाँ प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी सेम रहेगा क्योंकि वो सेम लेवल पे दोनों ही एटमोसफेयर हॉट। अगर हम लोग दो इधर नीचे जाएंगे तो इधर भी, इधर समझो पी थ्री और ये पी टू, पी थ्री का भी यही आएगा पी एटमोसफियर प्लस रो जी एच क्योंकि हाइट सेम है ना, हाइट सेम है, सिंस हाइट सेम है प्रेशर एटमोसफियर तो सेम रहता ही है, डेंसिटी सेम रहेगा क्योंकि लिक्विड चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, जी और एच, एच सेम है तो प्रेशर भी एक ऑन द सेम लेवल सेम रहता है। तो यहाँ पे प्रेशर सेम लेवल पे पहली बात, पहले फिर मैंने क्या पी प्रेशर लगाया यहाँ पे, फोर्स लगाया यहाँ पे, इसका एरिया कुछ तो रहेगा तो इधर प्रेशर लगेगा। तो अभी क्या होगा, अभी इन दोनों के ऊपर तो फोर्स नहीं लगा ये दो पॉइंट पे, बट इधर लग रहा है तो इसका प्रेशर एब्सोल्यूट बढ़ जाएगा, इन दोनों का नहीं रहेगा, इन दोनों का नहीं बढ़ेगा, ऐसी बात है,
नहीं, लॉजिकली सोचा जाता है ऐसा होना चाहिए कि मैंने इधर प्रेशर लगाया, इस पॉइंट का प्रेशर बढ़ना चाहिए, इन दोनों के ऊपर नहीं लगा, इधर नहीं होना चाहिए। बट पास्कल्स का क्या बोलता है, आप भले ही किधर भी प्रेशर लगा दो, किधर भी प्रेशर लगाओ आप भले ही, बट द प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। ये प्रेशर का जो इफेक्ट रहेगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम हो जाएगा। जितना भी एक्स्ट्रा प्रेशर आपने लगाया, समझो इधर F1 लगाया, इसका एरिया ए है, तो F1 by A आपने प्रेशर एक्स्ट्रा लगाया, तो सब जगह पे इस अगर इधर भी पी एटमोसफियर प्लस F1 by A हो जाएगा, इधर भी पी एटमोसफियर प्लस F1 by A हो जाएगा। इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड, ठीक है। ये बोलते हैं पास्कल्स लॉ कि आप किसी भी चीज़ को अगर किसी भी फ्लूइड को अगर प्रेशर लगाओगे तो वो उसके पूरे एंटायर वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही फॉर्मूला इधर हम लोग लगाते हैं कि मैंने इधर लगाया प्रेशर, मैंने इधर फॉर्म ये क्या किया, एफ फोर्स लगाया एरिया A1 पे, तो प्रेशर कितना हुआ, F by A1। ओके F1 ले लो, F1 F2 F by A1। सिंस ये दोनों सेम लेवल पे हैं, इसका और इसका प्रेशर सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, F2 by A2, क्योंकि इक्वली वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैंने इधर F मतलब ये P1 और ये P2, मैंने इधर P1 लगाया तो ये वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर भी ऐसा फोर्स लगाएगा, बट इसका एरिया जबकि अलग है तो प्रेशर भी अलग आएगा, समझे। इधर भी P1 प्रेशर ही है यहाँ पे, और यहाँ पे P1 प्रेशर है, बट फोर्स अलग हो जाएगा क्योंकि एरिया अलग है, और मेरे को दिख रहा है डायग्राम से कि एरिया ऑफ टू इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ वन, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ना। अगर एरिया ऑफ टू बड़ा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, और एरिया ऑफ वन कम है तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा आप निकाल सकते हो। ये होता है मेन, ये इन हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रॉब्लम है कि आपको बोलेंगे, जैसे कि आपको इन लोग ऐसे बोल सकते हैं, इधर आप हो, इधर एक कार है, उसका मास है 500 kg, तो 500 न्यूटन इसका वेट दे देंगे, फिर आप कितना फोर्स लगाओगे, इसका एरिया रहेगा कुछ तो एक्स, इसका एरिया रहेगा वाई, कितना फोर्स लगाओगे ताकि उठे, तो इसको ऊपर उठाने के लिए 500 ऊपर आना चाहिए, मतलब प्रेशर टू पता है, एरिया पता है, ये पता है, आप कितना फोर्स लगाओगे निकाल सकते हो ना। वैसे ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ में और कुछ बात अच्छी नहीं है इतनी। अभी नेक्स्ट आते हैं बॉयंट फोर्स के बारे में। बॉयंट फोर्स, ये तो नाम सुना रहेगा, बॉयंट फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी तैरती है उसके ऊपर। अभी बॉयंट फोर्स का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू VGL, और ये वी आई है, सुनना भी वी आई क्या है, वी आई इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्स्ड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो सुना ही रहेगा, ये समझो एक टब है, इसके अंदर पानी है, पानी है उसके अंदर, मैंने क्या किया एक ऑब्जेक्ट को ले लिया, डिप कर दिया उसके अंदर, और वो अपने डेंसिटी के कारण ऐसे रुक गया, आधा फ्लोट किया आधा रुक गया। तो इसने इस जगह का ध्यान से देखोगे अगर, तो इतना प्लेस ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर दिया, मतलब इतना इधर जो पहले जो वाटर था उसके जगह पे भी बॉडी आ गया, तो ये वाटर कहाँ जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर राइस करने लग जाएगा, थोड़ा राइस करेगा ऊपर, ठीक है। अगर समझो बीकर इतना ही होता, फुल भरा होता रिम तक, और फिर मैंने इसको ऐसे प्लेस किया रहता, तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाता, स्पिल आउट हो जाता था, क्योंकि बीकर में और जगह है नहीं, ये टॉप मैक्स है, इतना लेवल ऑफ वाटर क्या होता है, स्पिल हो जाता था। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल को होता है, बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लोन वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। जितना ये ऑब्जेक्ट रहेगा, जितना ये पार्ट इमर्स रहेगा, अभी अगर इतना बड़ा हो जाएगा तो और ज्यादा पानी निकलेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इक्वल है, इक्वल, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि फ्लोन वाटर का वॉल्यूम इज इक्वल टू इमर्स्ड वाटर का वॉल्यूम। वैसे ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल के जैसा ही है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, तो वॉल्यूम इमर्स्ड उस उधर से हमें खाली वॉल्यूम इमर्स्ड करके ये टॉपिक ध्यान में लेना है। अभी वॉल्यूम इमर्स्ड के आगे हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम इमर्स्ड, तो क्या आता है देखो,
ये समझो आपका बॉडी है, फ्लोट कर रहा है, इसका डेंसिटी आप ले लो रो और इसका ले लो सिग्मा, उल्टा कर लेते हैं क्योंकि रो हम लोग डेंसिटी वाटर के दिखाने के लिए बहुत आदत हो गया ना हमारा, तो इधर सिग्मा। तो इसका नीचे क्या फोर्स लग रहा रहेगा, एक एम जी, एम जी की वजह से वो डूबना चाहेगा, बट डूब क्यों नहीं रहा, तैर क्यों रहा है देखते हैं, बिकॉज ऑफ बॉयंट फोर्स कैसे एक्ट करता है वो देखेंगे। इसका एफ बी डी इधर ड्रॉ करते हैं, सिग्मा का इधर आना चाहिए एम इन टू जी, सिग्मा दिया है डेंसिटी के टर्म में तो डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, क्योंकि हम लोग मास लिख रहे हैं ना तो पूरा बॉडी का वॉल्यूम लेंगे। ऊपर क्या आ गया, बॉयंट फोर्स। अब ये बॉयंट फोर्स वेरी कर सकता है, बॉयंट फोर्स डिपेंड करता है ऑन द वॉल्यूम इमर्स्ड। ओके अभी, और बॉयंट फोर्स लगता किसके कारण है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के कारण। वेट mg, ये mg किसके कारण लगता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी के कारण। ये मास किसकी वजह से आया है, उसके डेंसिटी की वजह से आया है, मतलब इसके अंदर बॉडी का डेंसिटी आएगा और बॉयंट फोर्स के अंदर लिक्विड का डेंसिटी आएगा। बॉयंट फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बॉयंट फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू, वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू रो इनटू जी, वॉल्यूम ऑफ दिस फिर जी और एल। अब ये वॉल्यूम इमर्स्ड कैसे आएगा, समझो इसका एरिया ए है, इस साइड का एरिया ए है और उसका एक्स पार्ट डिसॉल्व अंदर गया है, तो ए इंटू एक्स रो जी, ये आ गया, ये हो गया बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स के अंदर किसका किस कौन सा डेंसिटी आएगा, बॉयंट फोर्स हमेशा डेंसिटी ऑफ लिक्विड के कारण लगेगा और ये जो एम जी का फोर्स है ड्यू टू डेंसिटी ऑफ बॉडी के कारण लगेगा। तो ये सिग्मा नहीं आएगा इधर, रो ये आ जाएगा, ये वाला, इसको क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हो। तो इस केस में एफ बी इज इक्वल टू एम जी के केस में वो फ्लोट करेगा। ओके अगर एम जी ज्यादा हो जाएगा, उसका डेंसिटी ज्यादा है बॉडी का, अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो डूब जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है कि वेट इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू रो, रो ने सिग्मा, हम लोग ने इधर सिग्मा कंसिडर किया तो सिग्मा आएगा, सिग्मा जी, ये किसका हो गया, डेंसिटी ऑफ बॉडी, फुल डेंसिटी ऑफ बॉडी पर फुल वॉल्यूम, ये हो गया वेट उसका। अभी वेट एपरेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट केसेस ये तो वेट हो गया। ओके बॉयंट फोर्स को हम लोग थ्रस्ट बोल देंगे क्योंकि ऊपर की तरफ रहेगा थ्रस्ट, इस ये क्या हो जाएगा वी रो जी, और ये वी क्या है, वी इमर्स्ड। अभी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, पहली बात तो बॉडी डूब जाएगा पूरा, फर्स्ट केस बॉडी सबमर्ज्ड। इस केस में हमें क्या पता चल रहा है, बॉडी सबमर्ज क्यों हुआ, जो कि मैंने इधर बोला कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तभी तो सबमर्ज हुआ, ये तो उसका कंसेप्ट हो गया। अभी उसका वी एपरेंट निकालते हैं, वी एपरेंट जब ये बॉडी इधर चला जाएगा तो इसका वेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो बॉयंट फोर्स लग रहा है, तो इसका नेट वेट निकालने के लिए, नेट वेट निकाल, क्योंकि ये साइड बड़ा है तो मैं ऐसा निकालता हूँ, नेट वेट निकालने के लिए इधर वाला फोर्स माइनस इसका वाला फोर्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ना, तो हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ए इज जीरो तो ये हो गया, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ बी इज इक्वल टू जीरो, एम जी इज इक्वल टू एफ बी, ऐसे निकाल सकते हैं ना वही। तो वी एपरेंट क्या हो जाएगा, एक्चुअल कितना था उसका वेट, एक्चुअल वेट कितना था एम जी माइनस ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट इज बॉयंट फोर्स, फॉर्मूले में डाल दो सब तो हमें मिल जाएगा वेट वन माइनस रो
बाय सिग्मा। ये बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला इधर डाल दो, एम जी के इधर उसका फॉर्मूला डाल दो, बता देता हूँ, सिग्मा वॉल्यूम ऑफ बॉडी माइनस सॉरी जी माइनस वॉल्यूम इमर्स्ड ये इनटू जी। तो ये तो हम लोग एम भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हो जाएगा मास ऑफ बॉडी जी माइनस वेट 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 अ मिनट, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, जी निकालेंगे बाहर एक, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी सिग्मा माइनस वॉल्यूम इमर्स रो, सिग्मा को भी बाहर ले लेंगे हम लोग, सिग्मा को बाहर ले लिया तो नीचे आके सिग्मा डिवाइड हो जाएगा इस केस में। ओके सिग्मा, अभी वॉल्यूम ऑफ बॉडी बाहर ले लेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ बॉडी बाहर ले लिया तो इधर वन बचा, वॉल्यूम इमर्स्ड के नीचे वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिवाइड हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड अंडरस्टूड, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था मैं, बताता हूँ मैं अभी कैसे आया ये। ये तो हमें पता चल गया ना इधर से, तो एम जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी और ये सिग्मा जी इज इक्वल टू फोर्स वॉल्यूम इमर्स्ड रो जी, जी से जी कैंसिल, तो सिग्मा बाई रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इमर्स्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी, सिग्मा बाय रो का फॉर्मूला है वॉल्यूम इमर्स्ड अपॉन बॉडी। ये हमें निकला क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में, तो हम लोग न्यूटन्स लॉ लगा के देखा कि क्या आ रहा है। अभी एम जी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम बॉडी सिग्मा बी मतलब सिग्मा ऑफ बॉडी सिग्मा बी माइनस वॉल्यूम इमर्स्ड रो जी। अभी इसमें से क्या निकालो, वॉल्यूम बॉडी सिग्मा जी माइनस निकालो, तो इधर वन बचेगा, वॉल्यूम इमर्स्ड रो जी वॉल्यूम बॉडी सिग्मा जी। ओके जी से जी कैंसिल हो जाएगा। ओके वॉल्यूम इमर्स्ड बाय वॉल्यूम बॉडी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं इस केस में। तो ये सब करने के बाद, और ये वॉल्यूम बॉडी इंटू सिग्मा, बॉडी का वॉल्यूम उसका डेंसिटी, तो ये क्या मास इंटू वेट, ये पूरा वेट हो गया, वन माइनस रो बाय सिग्मा करके ये आता है। ओके डेरिवेशन याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट ऊपर देखना ये लिक्विड का वॉल्यूम है और ये है बॉडी का डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम नहीं। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस हो गया कि बॉडी सबमर्ज था पहले, अभी बॉडी फ्लोट करता है, बॉडी फ्लोट्स, कैसे फ्लोट कर रहा है वो, बॉडी फ्लोट कर रहा है विथ पार्शियली सबमर्ज्ड, इस केस में ऐसे फ्लोट कर रहा है वो। ओके नहीं पार्शियली सबमर्ज नहीं, फुल्ली सबमर्ज लेते ना, फुल्ली सबमर्ज्ड पहला केस ले लेते, फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी फ्लो कर रहा है, मतलब उसका एक सरफेस ही लिख रहा है, बाहर कुछ भी वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। तो इस केस में वी अपेरेंट आ जाता है जीरो, इस केस में लिक्विड का डेंसिटी बढ़ जाता है, लिक्विड का डेंसिटी इधर रो आएगा रो। ओके इधर लिक्विड का डेंसिटी बढ़ जाता है इस केस, ऐसा आएगा, ये तो ऊपर वाला केस देगा, लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा रहता है इसलिए वो ऊपर बॉयंट फोर्स, क्योंकि बॉयंट फोर्स किसके कारण है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के कारण है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के कारण है, तो अगर डेंसिटी इसका ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, इसलिए वो फ्लोट करने लग जा रहा है। बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड, पार्शियली सबमर्ज्ड फ्लोट्स पार्शियली सबमर्ज्ड, इस केस में क्या होगा, ऐसे फ्लोट करेगा, कुछ कुछ पूरा वॉल्यूम इधर पूरा वॉल्यूम इमर्ज्ड था। ओके यहां पे वी इमर्ज्ड और वी बॉडी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फुल्ली सबमर्ज्ड है ना बॉडी, तो वॉल्यूम इमर्ज्ड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी के इक्वल ही हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर अपने आप रो बाय जी आ जाएगा यहाँ पे। ओके यहाँ पे भी वही होगा, बट यहाँ पे वी अपेरेंट जीरो होगा क्योंकि बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू अपना वेट के तरफ लगेगा, वी अपेरेंट इज जीरो, इधर भी डब्ल्यू अपेरेंट इज जीरो। ओके बट ये थोड़ा सा अमाउंट
समझ हो जाएगा इसमें, पार्शली समझ। इस केस में डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी होता है, पार्शली समझ में। और इस केस में ये नहीं आएगा, इस केस में डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी होता है, इसलिए वी अपेरेंट यहाँ पे जीरो आएगा और यहाँ पे भी वी अपेरेंट जीरो आएगा, बट यहाँ पे ये केस है। याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था क्या है। तो फर्स्ट केस में वेट इज ग्रेटर देन थ्रस्ट, सेकेंड केस में वेट इज लेस देन थ्रस्ट, थर्ड केस में वेट इज इक्वल टू थ्रस्ट। ये कभी पॉसिबल है जब भी सिग्मा इज इक्वल टू रो हो जाएगा, ये कभी पॉसिबल है जब भी अपना सिग्मा ग्रेटर देन जी हो जाएगा और सिग्मा लेस देन रो हो जाएगा। ऐसा ये तीन केसेस है। यहाँ पे क्या करेगा, फुल्ली सबमर्ज फ्लोट करेगा, यहाँ पे पार्शियली सबमर्ज, और यहाँ पे सिंक कर जाएगा। वेट 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 वेट, मैंने गलत लिख दिया सर, उल्टा हो गया ये तो। यहाँ पे सिंक कर जाएगा, यहाँ पे पार्शियली सबमर्ज और फुल्ली सबमर्ज। तो ये हो गया जस्ट ऑफ अबाउट डिस्कशन, ये हो गया फ्लोटेशन के प्रिंसिपल। ओके, ये हो गया फ्लोटेशंस। अभी थोड़ा सा एक बाकी रहता है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या आता है वो देख लो। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या है, ये डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या है, समझो आपने दो अलग अलग लिक्विड्स को मिला दिया, रो वन रो टू, इसका मास m1 m2 v1 v2, फिर इनका रिजल्टेड, जैसे हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं वैसे ही इफेक्टिव डेंसिटी या नेट डेंसिटी निकाल दो आप, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का एक फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मास ऑफ मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अभी इसमें दो स्पेशल केसेस हो जाते हैं, डिस्कस करते हैं अभी स्पेशल केसेस में। पहला तो आता है इफ मास m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, पहले केस में m1 m2 इक्वल हो जाएगा, दूसरे केस में v1 v2 इक्वल हो जाएगा, m1 m2 इनको m, ये हो गया। तो इस केस में डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का एक अच्छा सा फॉर्मूला बन गया था, जैसे कि हम लोग मास ऑफ मिक्सचर है, जनरल फॉर्मूला क्या बोलते हैं, मास ऑफ मिक्सचर अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो मास ऑफ मिक्सचर में m प्लस m, वॉल्यूम को वॉल्यूम दिया नहीं तो हम मास के टर्म में लिख देंगे, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वन अपॉन मास वन, मतलब जो कि मास है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू अपॉन मास, ये हो गया। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, वेट वेट वेट, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को लिखने के लिए वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मास अपॉन रो वन प्लस मास अपॉन रो टू, ये हो गया उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। फिर यहाँ से टू एम अपॉन एम कॉमन ले लो, वन बाय रो वन प्लस वन बाय रो टू, एम से एम कैंसिल, फिर यहाँ पे आ जाएगा रो टू रो वन रो टू बाय रो वन प्लस रो टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमीटर ऊपर चले जाएगा, ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या आ गया, टू रो वन रो टू बाय रो वन प्लस रो टू, इसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन अगर दो है तो उसका हार्मोनिक मीन ले लो, डेंसिटी ऑफ वन दिया डेंसिटी ऑफ टू दिया डायरेक्टली मास इक्वल है तो ये केस आ जाएगा। अगर वॉल्यूम वन इक्वल टू वॉल्यूम टू इक्वल टू वी है गाइस, अगर वॉल्यूम वन इक्वल टू वॉल्यूम टू इक्वल टू वी है तो आप क्या कर सकते हो, सेम फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मास ऑफ मिक्सचर अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। वॉल्यूम तो हमें पता है वी प्लस वी है, इसको क्या लिख सकते हैं, मास को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या दिया, रो वन वी प्लस रो टू वी, ये हो गया रो वन प्लस रो टू वी कॉमन अपॉन टू वी, वी से वी कैंसिल तो आ गया रो वन प्लस रो टू बाई टू, तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ऐसी बात है, तो यहाँ पे हो गया अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक हो गया मीन। ओके, ये हो गया। नाउ और एक
छोटी सी चीज है जो कि है रिलेटिव डेंसिटी का ही, रिलेटिव डेंसिटी का ये लिख सकते हो आप डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी अगर कुछ कुछ केस में ऐसा पूछ रहे थे, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर अपॉन वेट ऑफ, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसको भी ऐसे लिख सकते हो, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड अपॉन वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। अभी ये कैसे आया डिराइव कर सकते हो, बट आप याद रख लोगे तो अच्छी बात रहेगी, रिलेटिव डेंसिटी अपॉन ये। ओके वेट, रिलेटिव डेंसिटी क्या था, रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ जी, डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू जी, मास ऑफ लिक्विड अपॉन मास ऑफ वाटर टू वॉल्यूम इंटू जी, वॉल्यूम सेम रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, मास सॉरी वेट ऑफ बॉडी अपॉन वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, ये एयर के केस में हो जाएगा, ये वाटर के केस में हो जाएगा। तो वाटर के केस में क्या हो जाएगा, वाटर के केस में वेट थोड़ा कम हो सकता है, हमें पता है ऊपर पड़ा हम लोग की वेट कम हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, उस केस को ये कंसिडर करके ये आ गया। और ये भी ऐसे ही कुछ डेरा हुआ है, वेट ऑफ वाटर माइनस वेट ऑफ लिक्विड, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन देते थे कि बॉडी हैज़ अ वेट ऑफ 16 16 न्यूटन इन दिस, लिक्विड में एक है, फिर वाटर में उसका वेट होता है 18, एयर में उसका वेट है 20, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल के दिखाओ, तो 20 माइनस 16 ऊपर आ जाएगा, 20 माइनस 18 इधर आ जाएगा, 4/2 2 हो गया उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ वाटर, तो रो ऑफ लिक्विड क्या निकाल सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ वाटर, ऐसा करके आप निकाल सकते हो अगर आपको पूछा है तो। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला शीट ऑफ दिस फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं।